प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट है अ ट्रक वेटिंग 2500 केजी एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड कोलाइड्स विद स्टेशनरी कार वेटिंग 1000 केजी. द ट्रक एंड द कार मूव्स टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट. कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमें डाटा में दो चीज़ें गिवन है. डाटा सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डाटा. और उसमें हमारे पास एक ट्रक है जिसका मास जो है अगर मैं M1 से डिनोट कर दूं तो हाँ हमारे पास कितना है 2500 kg. ठीक है. और सेकंड जो है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकंड. यानी कि V1 हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 21 मीटर्स पर सेकंड. और फिर उसके बाद हमारे पास एक स्टेशनरी कार है यानी कि कार जो है उसका मास मैंने M2 से डिनोट कर दिया है और वो हमारे पास कितना है 1000 kg. और वो स्टेशनरी पोजीशन पे यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे है तो इस वजह से हम कहेंगे कि V2 हमारे पास क्या है जीरो है स्टूडेंट्स. और ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी. यानी कि आफ्टर द इम्पैक्ट जो है यानी कि आफ्टर कोलिजन जो है उसकी वेलोसिटी V से डिनोट की गई है और वो मेरे पास जो है वो अननोन है जो कि मैंने कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले डायग्राम के जरिए जो है हम इसी सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक ट्रक है. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रक हो गया और इस ट्रक का जो है इसके ये एक इसका जो मास है वो मैंने किससे डिनोट किया है M1 से डिनोट किया. और सेकेंडली मेरे पास एक कार है. ठीक है, जो कि स्टेशनरी पोजीशन पे लाई कर रही है यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे है हमारे पास. और रेस्ट की पोजीशन पे जब वो थी तो उसके साथ यानी कि उसकी जो मास है वो M2 से डिनोट किया गया है और उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि V2 हमारे पास जीरो है और इस ये जो है एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू हमारे पास V1 है. अब ये इसको आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा. और आफ्टर मतलब कि स्ट्राइक करने के बाद ये दोनों जो है ये इन कॉन्टैक्ट होके कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे जिसे मैंने क्या नाम दिया है, V का नाम दिया है. यानी कि आफ्टर कुलियन. ठीक है, कुलियन के बाद जो है हम ये देखते हैं कि ये जो है ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसको हमने बी का नाम दे दिया. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आए स्टूडेंट्स, यानी कि सोल्यूशन कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन में अगर हम देखें सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है अगर हम देखें कि जब बॉडी जो है बिफोर कुलियन यानी कि यहाँ मैं अगर लिख दूँ बिफोर कुलियन हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह थी और आफ्टर कुलियन ये एक कॉमन वेलोसिटी से मूव किया. अगर बिफोर कुलियन देखूँ तो मेरे पास ट्रक जो है वो मोशन की पोजीशन में है यानी कि वो मूव कर रही है तो मूविंग मास जो है उसके पास कोई ना कोई मोमेंटम होता है, कोई ना कोई मोमेंटम एग्जिस्ट करता है. यानी कि मेरे पास कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा जिसे मैं M1 V1 प्लस M2 V2 लिख सकती हूँ. यानी कि इस पूरी सिचुएशन में इन दोनों ट्रक और कार का जो मेरे पास मोमेंटम आ रहा है वो क्या आ रहा है, M1 V1 प्लस M2 V2. सही, आफ्टर कूलिंग जो मेरे पास मोमेंटम आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, M1 V प्लस M2 V. यानी कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी है जिसे हमने वी से डिनोट किया है. जैसा कि हमें फिगर जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें भी हमें बताया गया है कि हमने कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसे हमने वी से डिनोट कर दिया है. और क्योंकि इनके मैसेज डिफरेंट है तो M1 V प्लस M2 V मैंने यहाँ लिख दिया है. अच्छा, अगर हम देखें कि हमने क्योंकि हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V. यानी कि हमने V जो है उसको क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है. अब V की वैल्यू क्योंकि मैं निकालना चाहती हूँ तो मैं इक्वेट कर लेती हूँ उसको. यानी कि मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है, M1 V1 प्लस M2 V2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक, अब जस्ट हम इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे. यानी कि V की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, M1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, M1 की वैल्यू है हमारे पास 2500. ठीक है, और M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2500. ठीक है, और V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 21 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, और प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1000, और मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0. ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर देना है किससे, M1 प्लस M2 से, जो कि हमारे पास क्या है, 2500 प्लस 1000. ठीक है, M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1000 kg.
अच्छा अब इसको ये वाली जो हमारे पास टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 हम करेंगे, और यहाँ 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 होल डिवाइड बाय 2500 प्लस 1000, जो कि हमारे पास क्या बनता है 3500, ठीक है। और इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी कॉमन वेलोसिटी आ रही है आफ्टर द कुलियन वो हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जब ये ट्रक और कार आपस में कोलाइड करने के बाद जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 15 मीटर्स पर सेकेंड।